जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी जिस बात ने वो ये कि विद इन अ टाइम सीरियल में से राइटर गुम होने लग गया। होता है जब राइटर स्टार हो जाता है तो जैसे स्टार स्टार हो जाता है और राइटर राइट स्टार हो जाता है तो थोड़ी परेशानी यू नो उसके इंग्रेडिएंट में आ जाती है। आपने शुरुआती दिनों में सीरियल्स भी लिखे हैं संजीवनी हुआ या फिर कहां से कहां तक हुआ। सीरियल राइटिंग की जर्नी के बारे में हमें कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए और कैसे आपने शुरू किया और कैसे आपने सोचा कि अभी मुझे ये नहीं करना और अब मैं ये करना चाहता हूँ। पंजाब में शूटिंग चल रही थी चंडीगढ़ में, मैं किसी अखबार के साथ काम कर रहा था, मैं इंटरव्यू लेने के लिए गया हुआ था और वहाँ पे उनको राइटर थोड़ा परेशान कर रहा था, कह लीजिए। जैसा कि होता है जब राइटर स्टार हो जाता है तो जैसे स्टार स्टार हो जाता है और राइटर राइट स्टार हो जाता है तो थोड़ी परेशानी यू नो उसके इंग्रेडिएंट में आ जाती है। तो जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो इंटरव्यू लेते लेते मुझे पता चला कि इनको किसी राइटर की ज़रूरत है। जैसे मैं रूम में बैठा उनके इंटरव्यू ले रहा था तो उनका फ़ोन बजा, लैंडलाइन। तो लैंडलाइन पे उन्होंने कहा कि अरे मैंने तुम्हारे लिए, ऐसा मुझे लगा ये कन्वर्सेशन हुई होगी कि मैंने तुम आपके लिए राइटर ढूंढ लिया है, सर ये है वो है जो भी कहा होगा। तो उन्होंने फ़ोन, एक मिनट, वो कहते तुम्हारा क्या नाम है भाई? मैंने कहा जी इरशाद। अच्छा फिर वो अच्छा आगे क्या है? उन्होंने अच्छा आगे क्या है तुम्हारे नाम में? मैंने कहा जी काम है। कहते वो तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है तुम जिसकी बात कर रहे हो। तो दिस वॉज द वे, मतलब आई जस्ट एंटर्ड इन टू दैट एरिना जिसको सीरियल राइटिंग की एरिना कहते हैं। और उसके बाद फिर करते करते काफ़ी मैंने काम किया सीरियल राइटिंग में, एंड देन आई थॉट के जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दी जिस बात ने वो ये कि विद इन अ टाइम सीरियल में से राइटर गुम होने लग गया। ओके वो डिक्टेशन ऐसी आ जाती थी, डिक्टेटेड होता है ना, नहीं नहीं अभी ये करेक्टर ये करेगा, नहीं नहीं अभी ये करेक्टर ये करेगा, एंड इवन राइटर का नाम भी गुम होने लग गया। तो देन आई थॉट कि मैं ये नहीं करूंगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए। संजीवनी काफी ज्यादा वायरल है ऑन सोशल मीडिया, एंड इनफैक्ट जो जेंजीज हैं वो बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करते हैं वेयर दे मिस द ओल्ड कैरेक्टर्स, कि ये पुराने दिनों के जो हमारे सीरियल्स हैं वो काफी, बीइंग अ 90s किड आई यूज्ड टू लव संजीवनी अ लॉट। तो आप भी पुराने जमाने के हैं। मैं भी पुराने जमाने की हूं। Being a 90s kid, I used to love संजीवनी a lot. क्या आपके साथ में ऐसा कभी कोई ऐसा जैसा अभी फैन मोमेंट हुआ है, आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आउट ऑफ द ब्लू किसी फैन ने आकर के बोला है आपको किसी एक ऐसी चीज के लिए जो कि बहुत ज्यादा मतलब नोन नहीं है? जैसे यही संजीवनी के बारे में आपको पता है, उसके साथ ही एक और सीरियल चलता था धड़कन। हाँ धड़कन भी ऑलमोस्ट सेम जॉनर का सीरियल था जो लिखने में मुझे बहुत, वो भी लिखने में मजा आया। अभी जिस मोमेंट की आप बात कर रही हैं वो रिसेंटली एक मोमेंट हुआ, वो मोमेंट ये हुआ कि किसी ने सीरियल का टाइटल सॉन्ग मुझे सुना दिया। मैं भूल गया था कि मैंने ये गाना लिखा है, एक आंगन के हो गए दो, और मैं ये भी भूल गया था कि ये बहुत शुरुआती दौर का मेरा टाइटल सॉन्ग है और उसका म्यूजिक खयाम साहब ने दिया था। सो इट वॉज रियली ए मोमेंट फॉर मी, ओ अरे आपको ये पता है,